फ्रेंड्स, छत पे का कंसेप्ट ये देख सकते हैं कि छत पे इन्होंने बकरी की फार्मिंग शुरू की है। ये ब्रीड है जो बड़बड़ी नस्ल का है, इधर ब्लैक बंगाल है, बच्चे खेल रहे हैं। ये देख सकते हैं कई 11 बकरियां हैं, 5 से इन्होंने शुरू किया था सेकेंड फेज में, और अभी 11 बकरियां हो गई है इनके पास। ये देख सकते हैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी डिस्प्ले हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके मदद ले सकते हैं अगर आप कोई मदद लेना चाहते हैं तो। नवादा जिले के हिसुआ में है और मनीष सर से हम बात कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस नस्ल की बकरियों के साथ बकरी पालन करना ज़्यादा हितकर होगा नए किसानों के लिए। मनीष सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पिछले 16 महीने से आप बकरी पालन कर रहे हैं और इस 16 महीने में आपने एक बहुत बड़ा नुकसान भी झेला झेला है। कौन कौन सी नस्ल के साथ आप बकरियों की फार्मिंग कर रहे हैं सबसे पहले? अभी तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं, अप्रैल से जो कर रहे हैं 2021 से, हम ब्लैक बंगाल से ही काम किए, वो देसी नस्ल है। वो नस्ल के सामने अभी कोई नस्ल नहीं है और नस्ल का बिक्री जो है रात में 12 बजे भी वो बिक जाएगा, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया ब्रीड है बर्बरी नस्ल, उसकी दूध की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है और ब्लैक बंगाल की दूध की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से ब्लैक बंगाल बर्बरी अच्छा हुआ, ब्लैक बंगाल से बर्बरी अच्छा ब्रीड है। लेकिन मैं ब्लैक बंगाल भी रखा हूँ और बर्बरी भी रखा हूँ, लेकिन बर्बरी से मैं ब्रीडर जो मेरा है बर्बरी का ही है, उससे क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस करके तो क्यों, कौन सा ना, संकर नस्ल बोलते हैं लोग, जी तो वो तैयार आप कर रहे हैं? जी और क्या है कि इसमें जो होगा दूध की क्षमता भी ब्लैक बंगाल में बढ़ जाएगी और बर्बरी का जो क्रॉस हो गया तो उसका बच्चा भी अच्छा होगा। ब्लैक बंगाल ब्रीडर ही क्यों नहीं रख रहे हैं? ब्लैक बंगाल ब्रीडर से ऐसा ही होगा जैसा नस्ल इसका है, ब्लैक बंगाल इसका नस्ल सुधार हो जाएगा, आपका ब्रीडर चेंज रहेगा तो। लेकिन वो तो एक अलग नस्ल हो जाएगा ना फिर वो? ब्रीडर आपका ब्लैक बंगाल का होगा तो ब्लैक बंगाल बकरी से क्रॉस करवाएंगे तो सही होगा, सेम ब्रीड होगा। हाँ, लेकिन बर्बरी का जब ब्रीडर होगा ब्लैक बंगाल में क्रॉस होगी तो वो अच्छा ब्रीड हो गया ना। अच्छा ब्रीड हो गया। जी वो अच्छी उसका क्वालिटी आएगी बच्चा का। पहला नुकसान आपको जब हुआ था, जी उसके बाद फिर आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी ये आइडिया कैसे मिला आपको छत पे करने का? तो देखे थे कुशवाहा जी को, देखे थे फतुहा में, अच्छा उमेश तो जी के। उनका उनका भी है और बहुत सारे फार्म वाला के देखे, जैसे पारसनाथ में भी उनसे ही ट्रेनिंग किए थे, पारसनाथ में भी एक फार्म है, उनसे मेरी बातचीत होती है, मेरा सपोर्ट बहुत वो करते हैं, और मेरा कोई फार्मर है उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मेरा करते हैं। झारखंड में पारसनाथ पड़ता है, वो करते हैं, उनका भी छत पर ही फार्म है, इस वजह से छत पर ही किए और इसमें देखभाल हो जाती है, मेरे फैमिली लोग भी इनको देखभाल कर लेते हैं, अपना दुकान भी चलाते हैं, जनरल स्टोर की मेरी दुकान है, पासपोर्ट वगैरह भी सामान बिकता है उसमें, हम उसमें भी रहते हैं और इसमें घर का मेरा मम्मी मेरा भाई छोटा मेरा बेटा उटा सब इसमें देखभाल कर लेता है। नहीं, एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत नहीं पड़ती? एक्स्ट्रा आदमी को कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्या है घर की बात है। अब फार्म में क्या है कि आप रात में उसको छोड़ करके आना पड़ता है और अपना घर में सोना पड़ता है, रात में क्या हो रहा है बकरी के साथ कोई देखा नहीं जाता है, इस वजह से हमको अच्छा लगा। कम ब्रीड से स्टार्ट किए, कम बकरी से स्टार्ट किए, इसमें ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, 6 महीना टाइम लगेगा, साल भर टाइम लगेगा, अगले इसी का क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी। तो आपका अनुभव क्या कहता है, ब्लैक बंगाल बेहतर है, बड़बड़ी बेहतर है, सिरोही बेहतर है, जमुनापारी बेहतर है, कौन नहीं सा हम बेहतर? तो सिरोही और जमुनापारी पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो सब ब्रीड बिहार के लिए वो शायद सक्सेस नहीं है, लेकिन बर्बरी या ब्लैक बंगाल बहुत बेस्ट है। आदमी स्टार्टिंग करे तो ब्लैक बंगाल से करे या बर्बरी से करे या तो दोनों ब्रीड रखे। क्या लगता है, पिछले बार आपने लाखों का नुकसान सहा था, जी तो इस बार ये दो दो बकरियां, चाचा बकरियां से आप वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी? जी हो जाएगी सर, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जी साल भर टाइम लगेगा, 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी। तो जगह भी कम पड़ेगा आपको, जिसे जितना जगह में आप कर रहे जी हैं, इसके ऊपर बन रहा है, अच्छा इसके ऊपर बना रहे हैं, जी इसके ऊपर ये चला जाएगा, उसके ऊपर पूरा हॉल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बड़बड़ी ज्यादा बेहतर है ब्लैक बंगाल से। बर्बरी हम तो पहले ही बताएं कि सर बर्बरी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, ये मथुरा की इटावा की है नस्ल, ये ब्लैक बंगाल आपकी देसी नस्ल है, बिहार में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, इस वजह से दोनों नस्ल पर आदमी को काम करना चाहिए। अब इसका लागत और उसका लागत में अंतर है, वो खूबसूरती होती है आपकी बर्बरी, लेकिन ये ब्लैक बंगाल खूबसूरती नहीं होती है, लेकिन इसकी मीट जो है मार्केट में इसी का मीट कटते हुए हम लोग देखते हैं,
बरबरी का मीट नहीं कटता है, सिरोही का मीट नहीं कटता। तो बरबरी के ग्राहक कहाँ है? बरबरी का ग्राहक आपको फार्मर वाले ले जाएंगे या शौक से जो उसको पालना होगा वही ले जा सकते हैं, लेकिन इसको सब ले जा सकते हैं ब्लैक बंगाल को। अच्छा जी, तो बरबरी क्या है, कॉस्टली भी पड़ती है और ब्लैक बंगाल सस्ता भी है। मैं 5 बकरी से स्टार्ट किया था, एक ब्रीडर से स्टार्ट किया था, मेरे पास अभी 11 क्वांटिटी है बच्चा बड़ा ले करके, और फिर होने वाला है सब प्रेग्नेंट भी है, तीन प्रेग्नेंट है, तीन जी, बरबरी प्रेग्नेंट है, ब्लैक बंगाल प्रेग्नेंट है और उधर ब्लैक बंगाल प्रेग्नेंट है। अब दो तो बच्चा भी 21 तारीख को दिया ही है, 23 तारीख को दिया है, एक एक बच्चा दिया, ये पाठी था। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से ब्लैक बंगाल और बरबरी का? जी, ब्लैक बंगाल पे काम करे, बरबरी पे काम करे, दोनों पे काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट नस्ल है। प्रशिक्षण? प्रशिक्षण वगैरह तो नहीं लिए हैं, मतलब लेना जरूरी है? लेना जरूरी है, आदमी ले करके काम करेगा तो उसको समझ में आएगा, मोटिलिटी नहीं होगी फार्म पे, सिस्टम उनका पता रहेगा, जिस हिसाब से सिस्टम है सिस्टम पे काम होगा। अगर कोई बरबरी या ब्लैक बंगाल बकरी लेना चाहता हो और फार्मिंग शुरू करना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आपके पास है बरबरी और ब्लैक बंगाल की, उनको आप दें या फिर उनकी मदद कैसे करेंगे आप? जी, जो मेरे पास अवेलेबल, सिंपल सा सवाल है कि नए फार्मर अगर आपसे मदद लेना चाहें जी, तो आप कैसे मदद करेंगे? मेरे पास अवेलेबल होगी बकरी से स्टार्ट करेंगे तो उनको दे देंगे जो ज़रूरत होगा, उनको जो अच्छा लगेगा, और नहीं तो उनको फार्मर वाले से सेटिंग कर देंगे, कहीं कॉन्टेक्ट करवा देंगे, ऐसे कर सकते हैं क्या? जी हाँ, जहाँ आपने धोखा खाया उनसे भी संपर्क करवाएंगे? नहीं नहीं, जहाँ संपर्क करवाएं उनसे तो कभी संपर्क नहीं करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनीष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है रोजगार की जानकारी से भरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंसान का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।